गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी की थी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के इनसाइड बेटा हमने पता किया जो चार्ज की नेमिंग की थी वो की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में हमें बताया था ड्यूफे ने। बेटा जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है हाउ बॉडी इज चार्ज्ड, बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। बेटा सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कितने टाइप्स की बॉडी होती है। हमारे पास तीन तरह की बॉडी होती है बेटा, वन इज कंडक्टर, सेकंड इज इंसुलेटर और लास्ट इज सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। बेटा यहाँ पर हम सेमीकंडक्टर को कंसीडर नहीं करेंगे, सेमीकंडक्टर को हम अपकमिंग यूनिट्स के अंदर स्टडी करेंगे। मींस हम यहाँ पर जो बॉडी डिस्कस करेंगे बेटा वो आपकी कंडक्टर और इंसुलेटर। बेटा जो बेटा आपकी फर्स्ट बॉडी है कंडक्टर, उसको हम पांच तरीके से चार्ज कर सकते हैं, यानी कि कंडक्टर को चार्ज करने के बेटा हमारे पास पांच मेथड है। जो फर्स्ट मेथड है बेटा बाय फ्रिक्शन, जिसको बोला जाता है रबिंग मेथड बेटा। जो सेकंड है बेटा बाय कंडक्शन, जिसको बोला जाता है टचिंग मेथड बेटा। और जो आपका थर्ड है बाय इंडक्शन, जिसको बोला जाता है बेटा विदाउट टचिंग मेथड। जो सेकंड लास्ट है बेटा थर्मोइनिक इमिशन, और लास्ट है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। बेटा थर्मोइनिक इमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को भी हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, इन दोनों को बेटा हम स्टडी करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। मेन जो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कंडक्टर को चार्ज करने की जो मेथड हमारे पास, सिर्फ बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन को, थर्मोइनिक इमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को बेटा हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर स्टडी करेंगे बेटा। और जो आपकी सेकेंड बॉडी है बेटा इंसुलेटर, उसको सिर्फ हम एक तरीके से चार्ज कर सकते हैं, बाय फ्रिक्शन बेटा। देखो कंडक्टर को हम पांच मेथड के द्वारा चार्ज कर सकते हैं बेटा, और इंसुलेटर को सिर्फ हम एक ही मेथड से चार्ज कर सकते हैं, उस मेथड का नाम है बेटा बाय फ्रिक्शन। बेटा अब हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं। जो हमारे पास सबसे फर्स्ट बॉडी है बेटा कंडक्टर, उसकी देखो कंडक्टर क्या होते हैं बेटा, दो सब्सटेंस विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज कंडक्टर। ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टर बोलते हैं। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होती है बेटा। यानी कि इन सब्सटेंस के अंदर क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। इन कंडक्टर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर के इनसाइड बेटा लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखें हम आयरन और कॉपर बेटा। देखो बेटा कंडक्टर से आपकी एक प्रॉपर्टी निकलती है कंडक्टिविटी, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है बेटा कंडक्टिविटी। उसके बाद हमारे पास सेकंड बॉडी है बेटा इंसुलेटर, इंसुलेटर बिल्कुल अपोजिट है बेटा कंडक्टर के। इंसुलेटर क्या होती है, दो सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, मींस ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते बेटा, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बेटा। देखो दे हैव नेग्लिजिबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके अंदर जो बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन होते बहुत कम होते हैं, मींस नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन होते बेटा। एग्जाम्पल के तौर पर लें वुड और प्लास्टिक बेटा। देखो इंसुलेटर से जो बेटा आपकी प्रॉपर्टी निकली है रेजिस्टिविटी, और कंडक्टर से जो आपकी प्रॉपर्टी निकली थी बेटा वो थी आपकी कंडक्टिविटी। अब देखो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी से मिलके आपकी जो थर्ड बॉडी थी बेटा सेमीकंडक्टर, उसकी डेफिनेशन निकलती है। देखो सेमीकंडक्टर क्या बेटा, दो सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, कंडक्टर की, और रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी होगी आपकी, इंसुलेटर की। लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, किस किसके बीच में लाई करती है बेटा, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। मींस ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर कंडक्टर की भी प्रॉपर्टी और इंसुलेटर की भी प्रॉपर्टी है, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर। दो सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मींस ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर कंडक्टर की भी प्रॉपर्टी और बेटा इंसुलेटर की भी प्रॉपर्टी है। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम सिलिकॉन। एक बार दोबारा से देखो बेटा, जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो है हाउ बॉडी इज चार्ज, बॉडी को हम कैसे चार्ज करेंगे बेटा। हमारे पास तीन टाइप्स की बॉडी है बेटा। जो फर्स्ट बॉडी है बेटा कंडक्टर, सेकंड है इंसुलेटर और लास्ट है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे बेटा, इसको हम अपकमिंग यूनिट्स के अंदर स्टडी करेंगे। जो आपकी फर्स्ट बॉडी है बेटा कंडक्टर, उसको हम पांच मेथड के द्वारा चार्ज कर सकते हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। और बेटा सेकंड लास्ट था थर्मोइनिक इमिशन और फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन।
थर्मोइनिक इमिशन और फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन को भी हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, इसको भी हम स्टडी करेंगे बेटा मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। मींस बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर के तीन मेथड को डिस्कस करेंगे बेटा, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। बेटा जो आपकी सेकंड बॉडी है बेटा इंसुलेटर, इसको हम सिर्फ एक मेथड के द्वारा चार्ज कर सकते हैं बाय फ्रिक्शन बेटा। और जो कंडक्टर से हमारी प्रॉपर्टी निकली बेटा वो थी आपकी कंडक्टिविटी, और इंसुलेटर से जो प्रॉपर्टी निकली वो थी आपकी रेजिस्टिविटी। और सेमीकंडक्टर के अंदर बेटा दोनों प्रॉपर्टी लाई करती है, मींस रेजिस्टिविटी भी और कंडक्टिविटी भी। एक बार बेटा इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा कंडक्टर के चार्जिंग के मेथड को। बेटा भी हमने डिस्कस किया हम कंडक्टर को फाइव मेथड से चार्ज कर सकते हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, थर्मोइनिक इमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन मेथड को, जिसको बोला जाता है टचिंग मेथड। बेटा कंडक्शन मेथड के अंदर क्या होता है बेटा, इसको टचिंग मेथड क्यों बोलते हैं ये देखो। सपोज करो बेटा मेरे पास जो डस्टर है वो एक चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर जो आपका चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है बेटा, और जो मेरे पास जो मार्कर है ये क्या है आपकी न्यूट्रल बॉडी है बेटा। इस मेथड के इनसाइड क्या होता है बेटा, हम एक न्यूट्रल बॉडी को टच करते हैं एक चार्ज बॉडी के साथ बेटा। जैसे ही मैं यहां पे मार्कर को टच करूंगा बेटा डस्टर के साथ, मार्कर क्या था आपका न्यूट्रल बॉडी और डस्टर क्या था आपका नेगेटिव चार्ज बॉडी। बेटा जैसे ही मैं न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के साथ टच करूंगा, जो आपकी चार्ज बॉडी थी बेटा इसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे न्यूट्रल बॉडी में बेटा, यानी कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए न्यूट्रल बॉडी पे। न्यूट्रल बॉडी पे अब किसकी मेजोरिटी होगी बेटा, नेगेटिव चार्ज की मेजोरिटी होगी। तो बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया बेटा। दोबारा से समझो बेटा हमारे पास डस्टर क्या है, नेगेटिव चार्ज बॉडी है बेटा, यानी कि इसके ऊपर जो मेजोरिटी है वो नेगेटिव चार्ज की है, और जो आपका बेटा मार्कर है ये क्या है न्यूट्रल बॉडी है। जैसे ही यानी कि न्यूट्रल बॉडी यानी कि मार्कर को मैं टच करता हूं बेटा डस्टर के साथ जो कि चार्ज्ड बॉडी है, नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी है, तो यहां डस्टर में से बेटा कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे आपके मार्कर के अंदर, मेन चार्ज्ड बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे न्यूट्रल बॉडी के अंदर बेटा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होंगे बेटा, जो आपकी बॉडी यानी कि जो मार्कर था उसके ऊपर किसकी मेजोरिटी होगी, नेगेटिव चार्ज की मेजोरिटी होगी बेटा। तो इसका मतलब आपकी जो सेकंड बॉडी है वो भी क्या होगी, चार्ज होगी। एक बार दोबारा से देखो बेटा, हमारे पास जो फर्स्ट बॉडी है बेटा उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है बेटा। जो आपकी सेकंड बॉडी है बेटा वो क्या है, न्यूट्रल बॉडी है बेटा। अब हमने क्या किया, सेकंड बॉडी को टच किया बेटा फर्स्ट बॉडी के साथ, इसलिए इसको टचिंग मेथड बोलते हैं। सेकंड बॉडी को हमने क्या किया, फर्स्ट बॉडी के साथ टच किया। जैसे बेटा मैं सेकंड बॉडी यानी कि न्यूट्रल बॉडी को टच करता हूं फर्स्ट बॉडी के साथ, जो न्यूट्रल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन थे बेटा वो इन इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इस पोर्शन के अंदर आपके आगे नेगेटिव चार्ज और यहां पर आपका रिमेनिंग चार्ज है बेटा पॉजिटिव। मींस हम ऐसे भी कह सकते हैं जो आप है बेटा सेकंड बॉडी का वो है नेगेटिव चार्ज और जो आप है वो है पॉजिटिव चार्ज। यानी कि बेटा अब यहां से सेकंड बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे फर्स्ट बॉडी से, पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। जो फर्स्ट बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन बेटा ट्रांसफर हुए आपके बॉडी सेकंड के अंदर, कुछ टाइम के बाद हम दोनों बॉडी को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे बेटा। आफ्टर सम टाइम दोनों बॉडी को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। हम देखेंगे जो बॉडी सेकंड थी बेटा उसके ऊपर किसकी मेजोरिटी होगी, आपकी नेगेटिव चार्ज की मेजोरिटी होगी, मींस इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी होगी। उस इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी से बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आया बेटा, नेगेटिव चार्ज आया। हम इसके अंदर यह कह सकते हैं जो चार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज होता ना बेटा, जो चार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज होता है वही चार्ज होता है न्यूट्रल बॉडी पे आफ्टर चार्जिंग बेटा। देखो इसकी डेफिनेशन देखो बेटा, इफ एन अनचार्ज कंडक्टर टच विद ए चार्ज कंडक्टर। अब हम एक अनचार्ज कंडक्टर को क्या करेंगे, टच करेंगे चार्ज कंडक्टर के साथ। आगे क्या बोले बेटा, द अनचार्ज कंडक्टर ने एक्वायर चार्ज सिमिलर टू द चार्ज कंडक्टर। जो अनचार्ज कंडक्टर था यानी कि जो न्यूट्रल बॉडी थी बेटा वो वही चार्ज गेन करेगी जो फर्स्ट बॉडी के ऊपर चार्ज था, मीन जो चार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज था वही चार्ज होगा आपके अनचार्ज बॉडी के ऊपर बेटा।
बिकॉज सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर स्फीयर एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द कंडक्टर. बेटा ऐसा क्यों होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से जहां से हमने टच किया ना, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं अनचार्ज बॉडी के ऊपर बेटा. फिर कुछ टाइम के बाद हम क्या करेंगे, दोनों बॉडी को सेपरेट करेंगे, और सेपरेट करने के बाद हम देखते हैं जो सेकेंड बॉडी थी बेटा इसके ऊपर किसकी मेजोरिटी होगी, इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी होगी. तो हम कह सकते हैं जो सेकेंड बॉडी है वो कैसे चार्ज होगी बेटा, नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी होगी. इसी तरीके से हम बॉडी को भी पॉजिटिव भी चार्ज कर सकते हैं. एक बार दोबारा से देखो बेटा, हमने क्या किया, दो बॉडी ली बेटा, जो फर्स्ट बॉडी है इस बॉडी के ऊपर किसकी मेजोरिटी है, नेगेटिव चार्ज की मेजोरिटी. हम कह सकते हैं जो बॉडी फर्स्ट है बेटा वो नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी है, और जो आपकी सेकंड बॉडी है बेटा वो क्या है, न्यूट्रल बॉडी है. मीन जो आपका डस्टर है बेटा वो क्या है, नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी है, और जो आपका मार्कर है वो क्या है, न्यूट्रल बॉडी है बेटा. उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड बॉडी यानी कि अनचार्ज बॉडी को टच किया चार्ज बॉडी के साथ. अब हम क्या करेंगे, अनचार्ज बॉडी यानी कि मार्कर को हम टच करेंगे चार्ज बॉडी यानी कि नेगेटिव चार्ज बॉडी डस्टर के साथ बेटा. अब यहां डस्टर में से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे मार्कर के अंदर, मींस बेटा चार्ज बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे अनचार्ज बॉडी के अंदर. आफ्टर सम टाइम बेटा हम दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे. तुम देखेंगे जो चार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज था वही सिमिलर चार्ज किसके ऊपर आ गया, आपका अनचार्ज बॉडी के ऊपर. मीन्स हम कह सकते हैं जो आपकी सेकंड बॉडी है बेटा उसके ऊपर किसकी मेजोरिटी है, इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी है. तो इस वजह से उस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. इस मेथड के द्वारा बेटा इस तरह से हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं. आगे देखो बेटा, अगर शेप साइज और मटेरियल सेम है बॉडी का बेटा, अगर शेप साइज मटेरियल सेम है कंडक्टर का, तो दोनों बॉडी के ऊपर चार्ज क्या होगा, सेम होगा. देखो यहां फर्स्ट बॉडी के ऊपर मान के चलो चार्ज क्या था, क्या हो? जो आपकी बी बॉडी थी वो क्या थी, न्यूट्रल. आफ्टर टचिंग बेटा जो ए बॉडी के ऊपर चार्ज होगा वो भी सेम होगा, और बी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा वो भी सेम होगा. मींस मान के चलते हैं ए बॉडी के ऊपर चार्ज क्या है, क्या बाय टू, और बी बॉडी के ऊपर भी चार्ज क्या होगा, क्या बाय टू. मींस दोनों बॉडी के ऊपर जो चार्ज है बेटा वो सेम होगा. किस सिचुएशन के अंदर, कंडीशन क्या है बेटा, अगर शेप साइज और मटेरियल दोनों कंडक्टर का सेम है उस सिचुएशन के अंदर बेटा, किस सिचुएशन के अंदर, अगर दोनों कंडक्टर की शेप साइज और मटेरियल आपका सेम है उस सिचुएशन के अंदर दोनों कंडक्टर के ऊपर बेटा जो चार्ज है वो क्या होगा, सेम होगा आफ्टर टचिंग बेटा. इसको टचिंग मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी से टच करते हैं, इसी वजह से इसको बोला जाता है बेटा टचिंग मेथड. बेटा नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए क्या कोई ऐसा कंडक्टर है जिसके पास अनलिमिटेड चार्ज है, हाँ अर्थ एक ऐसा कंडक्टर है जिसके पास क्या होता है, अनलिमिटेड चार्ज होता है. एक बार दोबारा से देखो बेटा, अब हम डिस्कस करें चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी कि इसको बोलते हैं टचिंग मेथड. इस मेथड के अंदर हम क्या कराते हैं, एक अनचार्ज बॉडी को टच करवाते हैं चार्ज बॉडी के साथ. बेटा चार्ज बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं अनचार्ज बॉडी के अंदर, ठीक है बेटा. उसके कुछ समय बाद यानी कि आफ्टर सम टाइम दोनों बॉडी को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, और हम देखते हैं जो बॉडी वन के ऊपर चार्ज था वही आ गया आपका अनचार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज. मींस दोनों जो आपके अनचार्ज बॉडी थी वो क्या होगी, चार्ज होगी बेटा. दोनों बॉडी के ऊपर सेम चार्ज रहेगा अगर दोनों बॉडी की शेप साइज मटेरियल क्या है, सेम है बेटा. उस एक बार इसको नोट डाउन करो बेटा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपका जो सेकंड मेथड है बेटा, चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसको बोला जाता है विदाउट टचिंग मेथड बेटा. बेटा हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसको बोला जाता है विदाउट टचिंग मेथड. इस मेथड की इनसाइड स्टोरी क्या बेटा, आइए देखते हैं. इसके अंदर बेटा हम दो बॉडी लेते हैं, जो आपकी सेकंड बॉडी वो क्या है, न्यूट्रल बॉडी, और फर्स्ट बॉडी बेटा क्या है, चार्ज्ड बॉडी है, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. इस मेथड के अंदर बेटा हम फिजिकली कॉन्टेक्ट नहीं करवाएंगे. जो चार्जिंग बाय कंडक्शन था उसके अंदर हमने क्या किया था, दोनों बॉडी का फिजिकली कॉन्टेक्ट किया था बेटा, लेकिन चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर हम दोनों बॉडी का फिजिकली कॉन्टेक्ट नहीं करवाएंगे. नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, जो आपकी न्यूट्रल बॉडी है इसको नजदीक लेके जाएंगे चार्ज बॉडी के पास. न्यूट्रल बॉडी को हमने नजदीक लेके गए बेटा चार्ज बॉडी के. जैसे हमने न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के पास रखा बेटा, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है यहां पे हो गया, और जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो यहां पे हो गया. मीन्स हम कह सकते हैं बेटा जो न्यूट्रल बॉडी का पॉजिटिव चार्ज है वो आपका बाउंड हो गया फर्स्ट बॉडी के साथ, यानी कि नेगेटिव चार्ज बॉडी के साथ, और यहां से जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए बेटा, फ्री हो गए.
दोबारा से समझो बेटा, हम क्या करते हैं, न्यूट्रल बॉडी को नियर बाय लेके जाते हैं नेगेटिव चार्ज बॉडी के। न्यूट्रल बॉडी को किसके नियर बाय लेके जाते हैं बेटा, नेगेटिव चार्ज बॉडी के। यानी कि यहां पे जो आपकी फर्स्ट बॉडी है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और जो सेकंड बॉडी है वो क्या आपकी न्यूट्रल बॉडी है। यानी कि न्यूट्रल बॉडी को नियर बाय लेके गए बेटा हम फर्स्ट बॉडी के, यानी कि चार्ज बॉडी के। यहाँ पे जो आपका चार्ज होगा बेटा न्यूट्रल बॉडी के अंदर वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ जो आपकी फर्स्ट बॉडी है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज की वजह से न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन वो क्या करेंगे, रिपेल होंगे, इस पोर्शन के अंदर आ जाएंगे बेटा। यानी कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो बाउंडेड है फर्स्ट बॉडी के साथ बेटा, और इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे क्या है, फ्री है। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा, इसको बिल्कुल पास में ही रखते हैं। हमने यहां से क्या करी, जो आपकी न्यूट्रल बॉडी थी उसकी अर्थिंग करवा दी बेटा। न्यूट्रल बॉडी की हमने क्या करवा दी, यहाँ पे जो आपकी बॉडी सेकंड थी उसकी अर्थिंग करवा दी। मींस यहां से जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो ट्रांसफर हो गए अर्थ के पास। कुछ टाइम के बाद हम क्या करते हैं, दोनों बॉडी को सेपरेट करते हैं और हम देखते हैं जो बॉडी टू है बेटा उसके ऊपर किसकी मेजोरिटी रहेगी, पॉजिटिव चार्ज की। और पॉजिटिव चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे बेटा। इस तरीके से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, सेम इस तरीके से हम बॉडी को नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं। दोबारा से समझो बेटा ये मेथड क्या, देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन द प्रोसेस बाय विच ए अनचार्ज बॉडी मेक ए कंडक्टर इलेक्ट्रिकली चार्ज विदाउट फिजिकली कॉन्टैक्ट। इस मेथड के अंदर बेटा हम बॉडी को चार्ज करते हैं विदाउट फिजिकली कॉन्टैक्ट के, किसके बेटा, विदाउट फिजिकली कॉन्टैक्ट के। देखो एक बार दोबारा से, हमारे पास दो बॉडी है, जो बॉडी फर्स्ट है बेटा वो क्या आपकी चार्ज बॉडी है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आपका, नेगेटिव, और बॉडी टू बेटा कैसी है, न्यूट्रल बॉडी है। अब हमने क्या किया, न्यूट्रल बॉडी को हम लेके गए चार्ज बॉडी के पास बेटा, फिजिकली टच नहीं किया, बिल्कुल पास जाके रख दिया बेटा, यानी कि पास लेके रख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से जो आपकी फर्स्ट बॉडी है बेटा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये जो न्यूट्रल बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा वो बाउंडेड है आपका फर्स्ट बॉडी के साथ, यानी कि नेगेटिव चार्ज के साथ। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां से हमने क्या कि नेक्स्ट मेथड के अंदर इस इलेक्ट्रॉन की क्या की, अर्थिंग की, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसके पास ट्रांसफर होंगे बेटा, अर्थ के पास ट्रांसफर होंगे। तो कुछ टाइम के बाद दोनों बॉडी को हमने सेपरेट कर दिया, तो हमने देखा जो बॉडी टू है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरीके से हम बॉडी को नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं बेटा। देखो द प्रोसेस बाय विच ए अनचार्ज बॉडी मेक ए कंडक्टर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड विदाउट फिजिकली कॉन्टैक्ट। इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, हम फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं करवाते। जो चार्जिंग बाय कंडक्शन था बेटा उसके अंदर क्या था, दोनों बॉडी का फिजिकली कॉन्टैक्ट था, लेकिन चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, चार्ज बॉडी के पास लेके जाते हैं बेटा न्यूट्रल यानी कि अनचार्ज बॉडी को, ठीक है, इसके अंदर फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं है। जो नेक्स्ट मेथड है बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, नेक्स्ट मेथड क्या बेटा आपका, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जो आपका यूज होता है इंसुलेटर बॉडी को चार्ज करने के लिए, जनरली यूज करते हैं इंसुलेटर बॉडी को चार्ज करने के लिए बेटा। इसके अंदर क्या होता है, दो सुटेबल मटेरियल को अंडर सुटेबल कंडीशन रब करते हैं बेटा, दो सुटेबल मटेरियल को अंडर सुटेबल कंडीशन क्या करते हैं, रबिंग करवाते हैं। जैसे दो सुटेबल मटेरियल की बेटा अंडर सुटेबल कंडीशन हम रबिंग करवाएंगे, तो आफ्टर रबिंग दोनों के अंदर से जो एनर्जी क्रिएट होती है बेटा वो होती है काइनेटिक्स एनर्जी। जैसे हम रबिंग करवाते हैं जो एनर्जी जनरेट हो रही है आपकी वो कौन सी एनर्जी है बेटा, काइनेटिक्स एनर्जी। उस काइनेटिक्स एनर्जी से आपकी जनरेट होती है बेटा थर्मल एनर्जी, और जैसे ही दोनों बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में उनको थर्मल एनर्जी मिलती है तो क्या हो जाते हैं, वहां से जंप कर जाते हैं। सपोज करते हैं बेटा हम जो सेकंड बॉडी से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया फर्स्ट बॉडी पे, दोबारा से समझो बेटा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो स्टेबल मटेरियल को अंडर स्टेबल कंडीशन क्या करेंगे, रब करेंगे। जैसे ही बेटा दोनों मटेरियल को हम रब करेंगे उनको कौन सी एनर्जी मिल गई, काइनेटिक्स एनर्जी मिल गई। उस काइनेटिक्स एनर्जी से आपकी क्या क्रिएट हुई बेटा, थर्मल एनर्जी क्रिएट हुई। जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उनको थर्मल एनर्जी मिली, जैसे उनको थर्मल एनर्जी मिलती है बेटा वो जंप कर जाएंगे आउटर मोस्ट सेल से। सपोज करते हैं सेकंड बॉडी से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया बेटा फर्स्ट बॉडी पे, तो बेटा जो सेकंड बॉडी का मास है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और फर्स्ट बॉडी का जो मास है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया बेटा। यानी कि जो फर्स्ट बॉडी के ऊपर चार्ज है बेटा वो हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, और जो सेकंड बॉडी के ऊपर चार्ज हो गया बेटा वो हो गया पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इस तरीके से दोनों बॉडी आपकी क्या होगी बेटा, चार्ज होगी। देखो अगर आपका चार्ज ट्रांसफर हुआ तो उसके साथ मास भी ट्रांसफर होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ किसके पास गया, फर्स्ट बॉडी के पास, तो इसका मतलब बेटा जो फर्स्ट बॉडी का मास है वो क्या हुआ, इंक्रीज, और सेकंड बॉडी का जो मास है वो क्या हुआ, डिक्रीज। इसकी डेफिनेशन देखो बेटा,
द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू रबिंग ऑफ टू स्टेबल मेटेरियल अंडर स्टेबल कंडीशन इज नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. जैसे हम दो मेटेरियल को अंडर स्टेबल कंडीशन रब करते हैं बेटा, उससे क्या जनरेट होती है आपकी काइनेटिक्स एनर्जी जनरेट होगी. उस काइनेटिक्स एनर्जी से क्या जनरेट हुई, थर्मल एनर्जी. और आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस थर्मल एनर्जी को गेन करके क्या कर जाते हैं बेटा, जंप कर जाते हैं. यहां पे हमने देखा सेकंड बॉडी से इलेक्ट्रॉन जंप किया फर्स्ट बॉडी के ऊपर. मीन जो सेकंड बॉडी है उसके ऊपर आपका चार्ज हो गया पॉजिटिव और जो फर्स्ट बॉडी है उसके ऊपर आपका चार्ज हो गया बेटा नेगेटिव. यानी कि अगर आपका चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो साथ में उसके क्या ट्रांसफर होगा, मास. तो इस तरीके जो जो फर्स्ट बॉडी का मास है बेटा वो क्या होगा आपका इंक्रीज और सेकंड बॉडी का जो मास है वो क्या होगा बेटा डिक्रीज. आप एक बार इस तरीके से इनको रिवाइज कीजिए. देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या था बेटा, इसके अंदर हम बॉडी को चार्ज करते थे फिजिकली कॉन्टैक्ट के साथ, यानी कि अनचार्ज बॉडी को हम टच करते थे चार्ज बॉडी के साथ. चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर क्या होता है, विदाउट फिजिकली कॉन्टैक्ट, यानी कि एक अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज बॉडी के पास लेके जाते हैं. और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, दो स्टेबल मटेरियल को अंडर स्टेबल कंडीशन क्या करते हैं, रब करते हैं. एक बार बेटा नोट डाउन कीजिए इसको.